हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अपनी एक वीडियो सीरीज़ कर रहे थे जिसके अंदर वर्ड ऑफन कन्फ्यूज डिस्कस करे जा रहे थे। हमने अभी तक इस सीरीज़ के लेक्चर 1, 2 एंड 3 यानी 3 वीडियोस में 110 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो है 111 से 120 तक वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला वर्ड है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है पहले हमें समझते हैं। इसे अध्यादेश बोला जाता है हिंदी में, और यहाँ लिखा गया अ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या मतलब है इसका, देखिए ध्यान समझिए। आपको पता है कि हमारे जितने भी लॉज होते हैं वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट के भी सेशंस होते हैं, जैसे आपकी स्कूल की समर वैकेशंस होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट भी जो है उसके भी सेशंस होते हैं अगर पार्लियामेंट ऑफ चल रही है। और मान लीजिए उस टाइम पे कोई कानून बनाना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, तो उस वक्त जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्या करेंगे, वो जो है एक लॉ बना देंगे। यानी प्रेसिडेंट जो लॉ बनाता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, या जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, उस लॉ को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, सेना का साजो सामान। ऑर्डिनेंस यानी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन्स, एमिनेशन, यहाँ एक वर्ड आया एमिनेशन, ये क्या होता है, जो भी आपके हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है, उन सबको मिलाकर आप वर्ड यूज कर सकते हैं एमिनेशन। 112 पे वर्ड हमारा सामने है पहला वर्ड पेन, PANE, खिड़की या दरवाजे का कांच। जो आपका पेन वर्ड है इसका मतलब होता है खिड़की या दरवाजे का कांच। अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन अ विंडो और डोर, यानी ऐसा कोई ग्लास जिसको विंडो या डोर में यूज किया जा रहा है। इसी से सिमिलर वर्ड हमारे सामने है पेन, PAIN, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, दर्द। पेन यानी दर्द, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग्स, यानी फिजिकल सफरिंग्स के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पेन, PAIN। पेन्स क्या हो जाएगा, पेन्स का मतलब होता है अथक प्रयास करना, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसे हम बोलते हैं पेन्स। 113 में हमारे सामने वर्ड है पैलेट, PALATE, पैलेट क्या होता है, द रूफ ऑफ द माउथ, द सेंस ऑफ टेस्ट। पैलेट होता है तालू। देखिए आपका जो माउथ है, माउथ के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आपकी टंग होती है नीचे, एक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पैलेट यानी तालू। ओके, नेक्स्ट इसका सिमिलर वर्ड हमारे सामने है PALETE, इसे भी आप पैलेट पढ़ेंगे, रंग मिलाने का बर्तन, जिस बर्तन के अंदर आप रंग को मिलाते हैं। जैसे आप कलर पेंटिंग करते थे पहले अपने स्कूल टाइम पे, तो जिस प्लेट के अंदर आप जो है कलर को मिलाते हैं उसे हम बोलते हैं पैलेट, PALETE, रंग मिलाने का बर्तन। एन आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, मिक्सिंग बोर्ड बोल सकते हैं आप उसे, वही हमारा होता है पैलेट। और पैलेट क्या होता है, PELLET, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर है, किसी चीज़ का छोटा सा गोला, अ स्मॉल बेल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसे बोलते हैं पैलेट, PELLET। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है 114 पे पैडल, PEDAL, पैर से चलाने वाला कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप पैर से चलाते हैं, आप फुट ऑपरेटेड लेवर, उसे हम बोलते हैं पैडल, PEDAL। एंड दूसरा इसका सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड हमारे सामने है PEDDLE, पैडल, घूम घूम कर सामान बेचना, जो पैडलिंग करके यानी साइकिल चला के जो सामान बेचते हैं गलियों में उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पैडल, टू सेल और सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 115 पे वर्ड हमारे सामने है परपिट्रेट। परपिट्रेट क्या होता है, करना, गुनाह करना एक तरीके से, टू कमिट अ क्राइम, परपिट्रेट मीन्स टू कमिट अ क्राइम। एंड परपिचुएट क्या होता है, परपिचुएट माने होता है किसी कार्य हालात के जारी होने के कारण बनना, यानी एक्चुअल में किसी भी चीज़ का रीज़न हो जाना, कोई टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, यानी कोई भी काम जो लगातार चलता जा रहा है उसकी वजह बन जाना, परपिचुएट। आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है पर्सनल, PERSONAL, इसका मीनिंग आप जानते हैं प्राइवेट, लेकिन अगर यहाँ लिखा है पर्सोनल, PERSONEL, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कर्मी, स्टाफ, किसी भी जगह काम कर रहे हैं लोगों की पूरे स्टाफ को बोलते हैं हम पर्सोनल।
117 में वर्ड हमारे सामने है पोर, पी ओ आर ई, इसका मतलब होता है होल, स्मॉल होल, छेद को बोलते हैं पोर, पी ओ आर ई, लेकिन पी ओ यू आर, पोर पढ़ सकते हैं आप इसे, यानी उड़ेल देना, बहाना। एक्चुअली मान लीजिए आपने किसी बर्तन में कोई पानी रखा था या कुछ सामान रखा था, आपने उसे उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पोर, पी ओ यू आर। 118 पे हमारे सामने वर्ड है प्रैक्टिस। इन दोनों के अंदर इनका मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है, बस एक नाउन है और एक वर्ब है, इसलिए स्पेलिंग का ध्यान रखना है, एक में सी आएगा और एक में एस आएगा। सी वाला क्या होगा? नाउन होगा, और एस वाला क्या हो जाएगा? आपका वर्ब बन जाएगा। यानी एक का मतलब होता है अभ्यास, एंड एक का मतलब क्या हो जाएगा? अभ्यास करना, क्योंकि वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होते हैं, टू डू समथिंग रेगुलरली, और प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्टिविटी। 119 पे हमारे सामने वर्ड है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, एबल टू बी डन, ऐसा कोई काम जो करने योग्य हो, जिसे कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, या प्रैग्मेटिक माने क्या होता है? वास्तव में प्रयोगात्मक, यानी जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, इफेक्टिव और रियलिस्टिक, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकेबल यानी जो करने योग्य हो, एंड प्रैक्टिकल जो आपकी इफेक्टिव हो और रियल हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, और आज का लास्ट वर्ड हमारे सामने है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, टू रिकमेंडेड, एंड इसका सिंपल सिमिलर वर्ड हमारे सामने है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी करार देना, यानी ऐसी कोई चीज़ जो कानून की नज़र में सही ना हो, उसे बोलते हैं प्रोस्क्राइब। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है आज का। इफ़ यू लाइक द लेक्चर एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। हम इसका पार्ट नंबर 4 बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।